दोस्तों गौतम गंभीर को टीम इंडिया के नए हेड कोच के रूप में देखा जा रहा है। राहुल द्रविड़ का टाइम पीरियड वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसे में टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश है और वो गौतम गंभीर हो सकते हैं। बीसीसीआई भी चाहती है कि गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के नए हेड कोच बने, लेकिन गंभीर ने अभी तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। लेकिन क्या शाहरुख खान गौतम गंभीर को टीम इंडिया के नए हेड कोच बनने से रोक रहे हैं? दरअसल गौतम गंभीर इसी साल यानी आईपीएल 2024 में केकेआर के मेंटोर बने। गंभीर की मेंटोरशिप में केकेआर टूर्नामेंट के फाइनल तक भी पहुंच गई है और चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार है। ऐसे में केकेआर गंभीर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगी और टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए उन्हें केकेआर का साथ छोड़ना होगा। यही बड़ी वजह है कि गंभीर ने अभी तक कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। बात अगर गंभीर और केकेआर के ओनर शाहरुख की करें तो दोनों के बीच में काफी अच्छे बॉन्ड है। एसआरके बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि गौतम गंभीर केकेआर से अलग हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो गंभीर लखनऊ के लिए काम कर रहे थे तो एसआरके ने उन्हें केकेआर में आने के लिए रिक्वेस्ट किया था और उसके बदले में कितनी भी रकम देने की बात कही थी। इसलिए टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बारे में गंभीर ने अभी तक केकेआर के मालिक शाहरुख खान से बात नहीं की। अगर वह पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जाहिर तौर पर शाहरुख खान से पहले बात करेंगे, क्योंकि वह गंभीर को अगले 10 सालों तक अपनी टीम के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे गंभीर को टीम इंडिया और केकेआर में से किसी एक को चुनना होगा। आप ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।